ये है हिमालयन स्लीट 2018 मॉडल, और अभी प्रॉब्लम ये है इसका कि जो है बैटरी डाउन हो गई है लॉकडाउन में, और अभी जो इसमें हो रहा है कि मैं सेल्फ लगा रहा हूँ तो ये कुछ नहीं हो रहा इसमें, इट इज़ नो पावर। तो अभी फिर हम ये इसकी बैटरी चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि यहाँ से हमारा सीट खुलेगा, तो मैं दिखा दूँगा कहाँ से, और सीट खोलने के बाद ये साइड पैनल है इसको ओपन करेंगे, यहाँ से बैटरी बाहर आ जाएगी, बैटरी को मैं चार्जिंग के लिए दे दूँगा एंड वापस आके इसको इंस्टॉल करेंगे, तो अभी देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको ये की इधर लगानी है, इससे आपकी सीट ओपन हो जाएगी, ये आपकी ऐसे निकल जाएगी, और यहाँ पे है हमारी बैटरी। तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और अगर आपके पास चार्जर है तो आप इसको डिस्कनेक्ट करके दोनों को यहीं पे ही चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको बाहर निकालना होगा, और इसके लिए फिर हमें ये पैनल खोलना है एंड देन विल टेक आउट द बैटरी। जो टूल किट साथ आती है हिमालयन के वो आपको यहाँ पे मिलती है सीट के नीचे, तो दिस इज़ द टूल किट, और इस टूल किट में आपका ये सब सामान इस टूल किट में आता है। और प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ एक ये एलन की टाइप ही कुछ है, बट ये चलता नहीं है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो फिट नहीं आता। तो इसके लिए फिर हमें अलग से, मेरे पास एक एलन की सेट है तो इसको हम यूज़ करेंगे खोलने के लिए, एक आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा इन स्क्रूज को खोलने के लिए ताकि आप इनको डिस्कनेक्ट कर सकें, और उसके बाद ये बैटरी यहाँ से स्लाइड आउट हो जाएगी। ये है आपका, ये 4 mm का एलन की है, के बाद हमारे पास एक ये बोल्ट है, इसको हम खोलेंगे तो ये प्लेट यहाँ से निकल जाएगी, और फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ से बैटरी स्लाइड आउट हो जाएगी। निकालना इसको इजी है, बट इसको वापस लगाने के लिए देन थोड़ा सा इसको ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम होती है और ये जा नहीं पाती, इस वायर को भी हमें थोड़ा सा हटाना पड़ेगा रास्ते से, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। तो अभी पहले इसको बोल्ट को लूज़ करते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम इन दोनों को खोल के यहाँ से इस बैटरी को बाहर निकाल लेंगे। तो ये इसका हम इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी को, ये वायर एक एक्सेसरीज है उसकी है, तो आपके बाइक में ऐसा नहीं होगा। ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, इस बैटरी को बाहर निकालने के लिए पहले ये नट खुलेगा, आपका पीस बाहर आ जाएगा जो बाद में हम लगा देंगे वापस से, और अब हमें निकालनी है बैटरी।
पास है, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से भी इसको थोड़ा स्लाइड आउट कर सकते हैं। और अभी आप देखोगे कि एक ही इस जगह पे यहाँ पे ये यह अटकती है, निकल तो फिर भी जाएगी आराम से, बट इसको लगाना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये हमारी बैटरी आ गई है बाहर, ये हमारी है बैटरी। तो अभी जो है ये नई वाली बैटरी आ गई है एक्साइड एक्सप्लोर, एंड दिस कम्स विद 48 मंथ वारंटी। और ये हमारी बैटरी है, क्योंकि पहले वाली बैटरी जो थी वो चेक कराई थी वो ख़राब थी और 3 साल हो भी गए थे, तो इट्स अ गुड टाइम टू चेंज द बैटरी। तो लेट्स सी कि अब क्या करते हैं। इसके साथ आपको न्यू सेट ऑफ नट बोल्ट भी आता है, अगर पुराने वाले में आपकी कार बना गया कुछ है तो यू कैन रिप्लेस। तो लेट्स स्टार्ट कैसे इसको चेंज करना है। ये साइड पैनल ऑलरेडी ओपन है, मैंने इसके स्क्रू लगाए थे लास्ट टाइम, क्योंकि पता है बैटरी दोबारा डालनी है, तो आप इसको अगर है तो वैसे ही आप इसको ओपन कर सकते हैं, एलन स्क्रू होते हैं। एंड ये हमारी बैटरी है, देखते हैं अभी ये स्लाइड कैसे करेगी। बैटरी जो है पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अंदर की तरफ जाएंगे, और तो ये आपके बैटरी के टर्मिनल वाले हैं, ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, इसमें बना भी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और सिंपली आपको बस अब वायर कनेक्ट करनी है, दिस इज पॉजिटिव वन, ये इधर से जाएगा यहाँ पे और लग जाएगा, नेगेटिव वाला ये है, ये ऐसे लग जाएगा स्क्रू लगा के, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और बस ये वायरिंग सारी आपकी वापस ये ऐसे सेट हो जाएगा ये, और इसके बाद ये जो है हम पैनल लगा देंगे। तो एक बार मैं स्क्रू लगाता हूँ और फिर बताता हूँ क्या करना है। तो ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव लग गए हैं, अब एक बार हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। जाके हमारा इस तरह से यहाँ पे स्क्रू टाइट हो जाएगा, बाकी सारे जितने भी हमारे जो वायर थे वो वापस अपनी जगह चले जाएंगे। एंड सिंपल बस ये पैनल ऐसा आएगा, मैं इसको फिट करता हूँ एंड देन आपको दिखाता हूँ कैसे। ये हमने पैनल लगा दिया यहाँ पे, तो मेरा एक एलन स्क्रू मिसिंग है, वो मैं आज शोरूम से ले आऊँगा इस वाले को। एंड तो ये अपना सेट हो गया है, बैटरी सेट हो गई है, और जो टूल किट है वो वापस चली गई है। अब बस कुछ नहीं है, इसमें आपको सीट्स लगानी है। तो पहले हमारी ये वाली सीट ऐसे सेट हो, पहले हमारी ये वाली सीट ऐसे सेट हो जाएगी, और फिर हमारी ये जो है बाइक रेडी है। तो
वैसे तो आप सीधा शोरूम से ही चेंज कराएं, बट कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए इन केस ऑफ इमरजेंसी तो आप अपनी बैटरी चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है थोड़ा सा, बस क्योंकि वो स्पेस कम है वहाँ पे तो थोड़ा ट्रिकी है निकालने और लगाने में, बाकी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई भी कर सकता है इसको। ओके, थैंक यू।